कभी-कभी आई वंडर कि कैसे हमारी क्यूजीन इवॉल्व हुई है। अब हमारी क्यूजीन इवॉल्व होने के बहुत सारे रीजंस हैं। जैसे एक रीजन है कि हमारे इंडिया में बहुत सारी इन्वेजन्स हुई हैं, उसी एक इन्वेजन की वजह से हमारी एक क्यूजीन या फिर एक तरह की डिश बनी है, दैट इज कढ़ाई डिशेस। अब प्री पार्टीशन इंडिया में एक डिश बनती थी, दैट वॉज कढ़ाई डिशेस। मतलब यूजुअली वो बनती थी कढ़ाई में और एक स्पेशल मसाला बनता था, वो डलता था, और वो क्या अमेजिंग चीज है। वैसे ही एक कढ़ाई डिश है, दैट इज कढ़ाई पनीर। तो आज हम बनाने जा रहे हैं कढ़ाई पनीर विद सलोनी मस्टर्ड ऑयल, क्योंकि सेहत भी एंड स्वाद भी। वो रेसिपी आएगी इंट्रो के बाद, बट इंट्रो से पहले आप सब सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। उसी के साथ हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के यूजर नेम स्क्रीन पे दिख रहे हैं, प्लीज फॉलो अस फॉर मोर अपडेट्स। सत श्री अकाल, की हाल चाल, मैं हूं जसप्रीत, आपका होस्ट एंड दोस्त, एंड आज आई वेलकम यू बैक टू आर उत्तर प्रदेश फूड टूर विद सलोनी मस्टर्ड ऑयल, क्योंकि सेहत भी एंड स्वाद भी, और जो बनता है अपनी ही फैक्ट्री में। आज सलोनी मस्टर्ड ऑयल के साथ हम एक ऐसी डिश बनाने जा रहे हैं जो कल्चरल डाइवर्सिटी या फिर आप कह सकते हैं इन्वेजन की वजह से इंडिया में आई थी। अब बेसिकली ये रेसिपी है कढ़ाई पनीर। अब कढ़ाई पनीर के लिए सबसे पहले ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम कढ़ाई गर्म कर लेंगे और उसमें डाल लेंगे सलोनी मस्टर्ड ऑयल। अब अगर कढ़ाई पनीर बना रहे हैं तो ऑयल जाएगा अन्य वाह। इनफैक्ट विद सलोनी मस्टर्ड ऑयल यू कैन इंश्योर कि स्वाद के साथ साथ आपको सेहत भी मिल रही है। जब तक सलोनी मस्टर्ड ऑयल स्मोकिंग हॉट नहीं हो जाता, इसके अंदर से धुआं नहीं निकलने लग जाता, तब तक हम कढ़ाई मसाला बना लेंगे। अब कढ़ाई मसाले में गिनती की सिर्फ चार चीजें जाएंगी। होल लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च लेता हूं मैं यूजुअली, काली मिर्च वो भी साबुत, जीरा एंड धनिया, सारी चीजें साबुत जाएंगी। उसके लिए एक फ्राई पैन गरम कर लेंगे और उसमें सारे इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे, काली मिर्च, जीरा एंड धनिया। अब इसमें जाएगा सॉल्ट। सॉल्ट डालने से यू कैन इंश्योर कि हीट बराबर से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो ये मसालों को अच्छी तरह भून लेना है ताकि स्वाद अच्छी तरह आए। अब जैसे नॉर्मल रेसिपीज में गरम मसाला जाता है टू फिनिश ऑफ द रेसिपी, वैसे ही कढ़ाई रेसिपीज में जाता है ये कढ़ाई मसाला। अब इसको ठंडा होने देंगे और उसके बाद इसको ग्राइंड कर लेंगे फाइन पाउडर में, या फिर आप थोड़ा दरदरा भी रख सकते हैं अगर आपको मसालों की बाइट पसंद है तो। अब सलोनी मस्टर्ड ऑयल स्मोक हो चुका है, इसको हल्का सा ठंडा होने देंगे और उसके बाद हम डालेंगे साबुत मसाले। सबसे पहले जीरा, साथ ही धनिया एंड कश्मीरी लाल मिर्च। अब मसालों को क्रैकल होने देंगे और जैसे ही मसाले क्रैकल हो जाएंगे उसमें डाल देंगे अनियन प्योरी। अब अनियन प्यूरी को हमने ब्राउन करना है। अब ब्राउनिंग अनियन प्यूरी कैन बी अ लेंथी प्रोसेस, तो जल्दी करने के लिए, प्रोसेस को फास्टन अप करने के लिए हम डाल देंगे थोड़ा सा सॉल्ट। अब कढ़ाई पनीर मेरे दिल के बहुत करीब है और इनफैक्ट मैंने ना हमेशा ये बनाते हुए कुछ ना कुछ नया सीखा ही है, तो जितना भी मैंने नया सीखा है वो आपको मैं आज बताता जाऊंगा। इनफैक्ट मैं एक दूसरे तरीके से कढ़ाई पनीर बनाता हूँ। यूजुअली लोग क्या करते हैं, पनीर को और शिमला मिर्च को साथ ही मैरिनेट करके उसको पैन पे सेक लेते हैं, बट हम पैन पे नहीं सेकेंगे, हम एक दूसरा तरीका अपनाएंगे जिससे स्मोकीनेस भी आ जाएगी और एक बहुत बढ़िया सा उमदा सा फ्लेवर आ जाएगा। अब पनीर को मैरिनेट करने के लिए एक बड़ा बाउल और उसमें पनीर काट के डाल लेंगे। अब जिस साइज में पनीर काटा है उसी सेम साइज में हम सारी सब्जियां काट लेंगे। अब जैसे कि मैं बता रहा था कि रेसिपी बनाते बनाते मैंने मोस्टली बहुत बारी चीजें सीखी हैं। अब वो ही मैं एक एक्सपीरियंस बताता हूं आपको। जब मैं पहली बार कढ़ाई पनीर बना रहा था ना अपने कॉलेज के प्रैक्टिकल के लिए, एक्चुअली पहली बार नहीं, उससे बहुत पहले भी बना चुका था, बट प्रैक्टिकल के लिए जब मैं कढ़ाई पनीर बना रहा था
तो तब मैंने लोहे की कढ़ाई में चढ़ा दिए कढ़ाई पनीर बनाना और सारी ग्रेवी हो गई काली, बट टेस्ट अमेजिंग था जैसे कि मैं यूजुअली बनाता था। तो मुझे टेस्ट के ऊपर मार्क्स मिल गए बट रंग के ऊपर नहीं मिले, इसीलिए टॉप करते करते रह गया मैं हल्के से कुछ मार्क्स से। अब ये मैंने काट लिए, अब इसमें डाल लेंगे सलोनी मस्टर्ड ऑयल, क्योंकि सेहत भी एंड स्वाद भी। अब एक और जो चीज मुझे अच्छी लगती है सलोनी मस्टर्ड ऑयल की, दैट इज कि ये अपनी ही फैक्ट्री में बनता है, तो यू कैन इंश्योर कि क्वालिटी अल्टीमेट लेवल की होगी। अब इसमें डाल देंगे सॉल्ट, सॉल्ट के साथ ही रेड चिली पाउडर। अब अलग अलग रीजन में अलग अलग तरह प्रिपेयर करा जाता है ये कढ़ाई पनीर। जैसे कि अगर आप पंजाब साइड चले जाएंगे तो पंजाब साइड बनता है घी में, और अगर आप ईस्ट साइड आ जाए उत्तर प्रदेश या फिर आप चले जाएं मध्य प्रदेश या फिर ईस्ट साइड ईस्ट बंगाल एंड ऑल, वहां पे बनता है ये मस्टर्ड ऑयल से, क्योंकि वहां पे ना ये झाल वाला तेल जो ज्यादा तीखा तेल है वो ज्यादा यूज होता है, इसीलिए इससे बनता है मस्टर्ड ऑयल से। तो ये पनीर मैरिनेट हो चुका है, अब अनियंस की तरफ ध्यान देते हैं। अनियंस के नीचे ना मैंने गैस की आंच तेज कर दी है ताकि कुकिंग जल्दी हो जाए, सिंस मेरा सारा ध्यान अनियंस की तरफ है तो मैं अफोर्ड कर सकता हूं कि गैस तेज करके पका लूं। अब मैं अनियंस पकाते पकाते ना आपको एक और किस्सा बता देता हूं। एक्चुअली किस्सा क्या है, कढ़ाई पनीर मेरे दिल के इसलिए भी करीब है क्योंकि जब मैं पहली बार टीवी की शूट कर रहा था तो फर्स्ट रेसिपी आई वॉज मेकिंग वॉज कढ़ाई पनीर, एंड इनफैक्ट जब यूट्यूब की 50th रेसिपी थी वो भी कढ़ाई पनीर थी, इसीलिए मेरे दिल के बहुत करीब है ये रेसिपी। अब ये अनियन ब्राउन होने लग गए हैं, इसमें डालते हैं जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब देखिए अनियन के अंदर का ना सारा पानी सूख चुका है, अनियन प्यूरी डालने का यही फायदा होता है कि ग्रेवी बंदी बंदी सी बनती है। अब सिंस अनियन के अंदर का सारा पानी सूख गया है तो अनियन के अंदर के फाइबर्स निकलने लग गए, तो वो फाइबर खुल जाए इसीलिए ढाबा स्टाइल में एक ट्रिक यूज होती है, दैट इज बॉइलिंग वाटर डाला जाता है और बॉइलिंग वाटर के साथ अनियन को भूना जाता है। अब मैं आपको बता देता हूं कैसे। अब देखिए बॉइलिंग वाटर डालने के बाद सारी चीजें पेस्टी पेस्टी सी हो गई हैं। इनफैक्ट अनियन प्यूरी के अंदर के जो फाइबर्स है वो भी हट चुके हैं। अब डालेंगे पाउडर्ड मसाले, और पाउडर्ड मसालों में हल्दी सिर्फ नाम बन, रेड चिली पाउडर एंड थोड़ा सा धनिया पाउडर। जैसे ही मसाले पकने की खुशबू आ जाए हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा और बॉइलिंग वाटर। अब मसाले पक चुके हैं, इस स्टेज पे डालेंगे हम टोमेटो प्यूरी। अब आई लाइक टू यूज टू टाइप्स ऑफ टोमेटो प्यूरी, एक तो फ्रेश एक रेडीमेड। रेडीमेड से कलर आ जाता है एंड फ्रेश से फ्लेवर। तो पहले डाल देंगे फ्रेश टोमेटो प्यूरी, साथ ही रेडीमेड टोमेटो प्यूरी, थोड़ा सॉल्ट, इसमें डाल देंगे स्लिट हरी मिर्च। अब इसको ढक देंगे और ढक के पकने देंगे स्लो आंच पे 10 से 15 मिनट तक। अब जब तक ग्रेवी पक रही है तब तक ये सारे पनीर और वेजिटेबल्स हम सीख पे चढ़ा लेंगे। अब जैसे कि मैं आपको बता रहा था मैं एक दूसरे तरीके से कढ़ाई पनीर बनाता हूँ, यही दूसरा तरीका है। इसमें क्या होगा ना, जब पनीर और सब्जियां डायरेक्ट फ्लेम पे पकेंगे तो एक स्मोकीनेस आ जाएगी और फ्लेवर्स मैच्योर हो जाएंगे, बहुत ही उमदा फ्लेवर आता है। तो ये वाला स्टाइल भी आप ट्राई कीजिए। तो ये मैरिनेटेड पनीर हमने सीख पे चढ़ा लिया, अब इसको रखते हैं साइड में और जो हमने मसाला बनाया था कढ़ाई मसाला उसको पीस लेते हैं। अब मैं दरदरा पीसूंगा, आपने अगर फाइन रखना है फाइन रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। अब ग्रेवी का हाल जबरदस्त है, अमेजिंग लग रही है, रंगत देखिए आप, मतलब रंगत देखते ही दिल आ जाएगा। अब इसमें डालेंगे काजू पेस्ट। अब सिंस उत्तर प्रदेश फूड टूर पे बन रहा है कढ़ाई पनीर तो काजू पेस्ट फॉर रजाइयत जाना बनता है, क्योंकि काजू पेस्ट से एक तो वो रजाइयत वो रिचनेस मिल जाएगी एंड देन ग्रेवी बंदी बंदी सी बनेगी, इसीलिए काजू पेस्ट डाल दीजिए। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और पानी डालने के बाद फिर पकने देंगे।
अब जब तक ग्रेवी पक रही है हम पनीर पका लेंगे, और पनीर पकाएंगे हम डायरेक्ट आंच पे, उससे एक तो चार्ड मार्क्स आ जाएंगे, देन वो स्मोकी फ्लेवर आएगा और फ्लेवर्स मैच्योर भी हो जाएंगे। इनफैक्ट वी आर यूजिंग सलोनी मस्टर्ड ऑयल, उससे इंश्योर कर सकते हैं यार कि वो जो स्मोकीनेस है वो मैच्योर्ड फ्लेवर है, बहुत अच्छा आएगा। अब जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि ये रेसिपी जितनी बार भी मैंने बनाई है ना, मैंने कुछ ना कुछ सीखा है। अब वही एक चीज है कि सब्जियां पनीर के साइज में होनी चाहिए या पनीर से छोटी होनी चाहिए। अगर सब्जियां पनीर से बड़ी होंगी तो वो सब्जियां पक जाएंगी, चार्ड मार्क्स सब्जियों पे आ जाएंगे, पनीर पे नहीं आएगा। इसीलिए अब मैंने एक एग्जाम्पल देने के लिए मैंने एक सीख इसी तरह से बनाई थी जिसमें सब्जियां बड़ी थी और पनीर छोटा था। ये देख लीजिए, आप भी डिफरेंस देख लीजिए, इसमें पनीर पक चुका है एंड इसमें पनीर नहीं पका है, उस पे चार्ड मार्क्स नहीं आया है। मतलब एक्चुअली पनीर पक चुका है बट चार्ड मार्क्स नहीं आया है, तो ये है डिफरेंस। अब ग्रेवी डन है, इसमें जाएगी इस स्टेज पे क्रीम। अब क्रीम बिल्कुल एंड में, जब ग्रेवी का काम डन हो उससे पहले डालेंगे और गैस चालू रखेंगे तो क्रीम फटने लग जाएगी, इसीलिए बिल्कुल एंड में और डालते ही गैस बंद। अब डालेंगे कस्तूरी मेथी और धनिया। अब कस्तूरी मेथी और धनिया डालने के बाद एक मिक्स, अब जो हमने स्लिट करके हरी मिर्च डाली थी ना, उसका तीखापन अल्टीमेट लेवल पे आएगा। वो एक्चुअली ना वो बिल्कुल लास्ट में आएगा तीखापन, और बहुत अमेजिंग लगेगा। अब लास्ट में नॉर्मल रेसिपीज में आप गरम मसाला डालते हैं, बट कढ़ाई रेसिपी होगी तो उसमें जाएगा कढ़ाई मसाला जो कि हमने पीस के तैयार रखा हुआ है, ये डाल देते हैं। तो ये कढ़ाई पनीर डन है, रेडी टू प्लेट है। अब इसको प्लेट करते हैं, मिलते हैं प्लेटिंग के बाद। जस्ट लुक एट दिस ब्यूटी, दिस इज लिटरली अमेजिंग वाली ब्यूटी। बहुत ही प्यारी सी कढ़ाई पनीर की रेसिपी आपके पास है, जल्दी जल्दी ट्राई कीजिए। एंड आई इंसिस्ट, जब भी ट्राई कीजिए ना तब सलोनी मस्टर्ड ऑयल के साथ ट्राई कीजिए, क्योंकि सलोनी मस्टर्ड ऑयल के साथ इसका जो फ्लेवर कॉम्बिनेशन है वो लाजवाब है। इनफैक्ट सलोनी मस्टर्ड ऑयल के साथ सेहत भी एंड स्वाद भी। अब इंतजार किस बात का है, जल्दी जल्दी ट्राई करो एंड फोटो इंस्टाग्राम पे हमें टैग करना नहीं भूलना। वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर। थैंक यू, सत श्री अकाल, हैप्पी कुकिंग।